कोलकाता में पुल हादसे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज कोलकाता में दुर्घटना स्थल गए, वहां हालात का जायजा लिया। उधर ममता बनर्जी सरकार ने पुल हादसे की जांच के लिए SIT बनाई है। पुलिस ने इस मामले में पुल बना रही IVRCL के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। 7 अधिकारी डिटेन्ड हैं, हिरासत में हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। गुरुवार को कोलकाता में निर्माणाधीन पुल गिर गया था। हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए थे। इस पुल को IVRCL बना रही थी। तो आपको बता दें कि ये दुर्घटना हुई है कोलकाता में। 9 साल से ये पुल बनाया जा रहा था, 7 बार इसे एक्सटेंशन मिला था। जो कंपनी इसे बना रही थी भयंकर घाटे में थी, और जिस तरीके के इलाके में इस पुल का और जिस तरह से निर्माण हो रहा था वो इतना बनने के साथ ही जर्जर नज़र आ रहा है तस्वीरों में, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े हादसे के बाद VVIP मूवमेंट पर कई बार दिक्कतें भी पेश आती हैं जो राहत और बचाव काम चल रहे होते हैं, लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं लिहाजा कोई भी इस मौके पर अपनी मौजूदगी को पीछे रखना नहीं चाहता। फिलहाल राहुल गांधी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पहुंचे हैं इस कोलकाता हादसे के बाद लोगों से मिलते हुए। देखिए, मैं यहाँ दुख में आया हूँ। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में जो इंजर्ड लोग हैं उनसे मिलने आया हूँ, तो मैं अभी राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ। थैंक यू।